ये जो कल हम लोग कर रहे थे, कल जब हम कर रहे थे कि वाई द कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो उस समय से वो जो आपका टॉपिक था वो पूरा नहीं हो पाया था वीडियो में, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि वाई द कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो आपके पास जैसे मान लो ये है इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाई कैसे है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा आपके पास CH3COH, इसको आप ऐसे लिखोगे सी। देखो एक इसमें डबल बॉन्ड होगा और जो सिंगल बॉन्ड है वो जुड़ा है OH के साथ में, ठीक है। अब ये जो OH पोलर बॉन्ड है, दिस OH पोलर बॉन्ड, इसकी वजह से यहाँ पर एच पॉजिटिव को रिलीज करना आसान होगा। क्या रीज़न है, पोलैरिटी वगैरह वैसे हो चुके हैं पहले, बट नेक्स्ट टॉपिक में इसको कर लेंगे। अब ऐसे ही आपके पास ये CH3, इधर से ये C आ गया। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर आपने सिंगल बॉन्ड OH ले लेना है और C के साथ में इधर डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ नीचे कर दो बस। और देखो अब O और H, इसके बीच में H बॉन्ड, इस H और O के बीच में H बॉन्ड। तो देखो एक मोलिक्यूल तो ये हो गया एसिटिक एसिड, एक मोलिक्यूल ये हो गया एसिटिक एसिड, और दोनों के बीच में ही एच बॉन्ड बना हुआ है। सो इट इज़ अ नोन एज इंटर मोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिक्यूलर एच बॉन्ड है। वाई? बिकॉज टू टू एच बॉन्ड बन रहे हैं। अगर बात करूँ मैं अल्कोहल की तो वो सिंगल एच बॉन्ड बनाएगा। अब देखो वाटर की बात करें ना तो वो अलग है, आपका ये पी ब्लॉक में हो भी चुका होगा कि वाटर का एच का बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है, बिकॉज इट मेक्स एक्सटेंसिव थ्री डायमेंशनल एच बॉन्डिंग, थ्री डायमेंशनल एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग, एवरी वाटर मॉलिक्यूल मेक फोर एच बॉन्ड, दैट्स व्हाई वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो अब देखो चलो ठीक है ये आपने कर लिया, हो सकता है एट द टाइम कोई क्वेश्चन आया आपको थोड़ा बहुत डाउट हो गया, मे बी करवाया हुआ हो बट फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग आप दो ही चीज़ों पर फोकस करना, एक वंडर वॉल और एक एच बॉन्ड। और कहीं आपको डाउट हो जाए, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको डाउट हो जाए कि एच बॉन्ड है या नहीं तो उसको मेंशन मत करना, बिना बात के मत करना, फिर वहाँ लिख देना ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन कैसे आता है, 50% क्वेश्चन आपको सोल्ड ही मिलेगा कि वाई इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो इट हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड। ये क्वेश्चन का आंसर आपका चल जाएगा बोर्ड के अंदर, बट नॉट इन द प्री बोर्ड, नॉट इन द क्लास यूटी, ठीक है, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ जो एग्जैक्ट आंसर है वही चलेगा, ठीक है। ये तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आप कहीं पर ट्रैप हो जाओ तो ये कर दो, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करो, और इसका यूजली आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग ही होंगी, अगर आपको नहीं आता है उस कंडीशन में आपने लिखना है ये, ठीक। चलो भाई अब इससे आगे चलते हैं, डस्टर कहाँ चला गया है ये, इससे नेक्स्ट पॉइंट पकड़ लेते हैं, दैट इज द एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताओ भाई वाई द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, दो हाँ हाँ ड्यू टू द पोलर OH बॉन्ड। कैसे, देखो भाई कुछ बच्चे कहेंगे क्योंकि ये एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, तो कर नाम के पीछे एसिड है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखो भाई लिसन एयर, ये है CH3COOH, तो इसको ऐसे लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड OOH। अब क्या होगा, O और H में डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डिफरेंस आने से क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन O की तरफ चले जाएंगे, उससे क्या होगा फिर
जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी का यूज करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन मीन्स एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक हाइड्रोजन का, ये दोनों पहुंच जाएंगे ओ के पास, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब रहे ही नहीं, इनके बीच में कोई शेयरिंग ही नहीं रही, तो एच वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ओ एच का बॉन्ड टूटेगा और एच पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। तो एच पॉजिटिव रिलीज क्यों हो रहा है, क्योंकि पोलर ओ एच बॉन्ड है। अब होने को तो यहां पर तीन तीन सी एच है, बट यहां से कोई एच प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब क्या है कि कोई सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई नहीं है, इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेंगे। तो अब जब एनर्जी आएगी भी, हाइड्रेशन एनर्जी, वो इतनी नहीं होगी कि बीच से इलेक्ट्रॉन उठाकर किसको भेज दे, मीन्स यहाँ या यहाँ कहीं पर भी नहीं, तो ये एच पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ओनली ओ एच पोलर बॉन्ड से आपका एच पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा। तो वाई अल्कोहल इज पोलर इन नेचर बिकॉज ऑफ द पोलर ओ एच बॉन्ड, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलर ओ एच बॉन्ड, ये इनका कॉमन आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरी बात कि अगर आपके पास जो एसिडिक करेक्टर है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ पहले, तो बाद में आऊँगा इसके पर्टिकुलर के ऊपर। किसी भी चीज़ की एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कैसे वो एसिड मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जितना ईजिली एच पॉजिटिव रिलीज करेगा। देखो थोड़ा सा इसको अब और भी मॉडिफाई करो। एक्चुअल में देखो आपने पढ़ा होगा प्लस वन में इक्विलिब्रियम चैप्टर में एसिड बेस, एक्चुअल में एसिड या बेस आपस में इक्विलिब्रियम बनाते हैं। जैसे मान लो एसिड है, ये रहा CH3COOH, जब ये पहले क्या करेगा, पहले ये CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन बनाएगा और साथ में H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम बन जाएगा, फिर उसके बाद ना ये इससे मान लो टेलेप्टाइन मॉलिक्यूल्स थे, ये जीरो, फिर कब बन गया मॉलिक्यूल, क्या बना इक्विलिब्रियम कि ये सिक्स बने तो ये भी सिक्स बने तो ये फोर रह गए, बस अब ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम। अब जितने मॉलिक्यूल इसके यहाँ कन्वर्ट होंगे उतने ही ये जुड़ करके वापस ये बन जाएंगे। तो वीक एसिड क्या होता है, एक्चुअल में जो आपने पढ़ा है कि जो इजीली एच पॉजिटिव प्रोड्यूस कर दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो बेटर कंडीशन नहीं है। एक्चुअल में कितने एक्सटेंट तक वो मॉलिक्यूल टूट रहा है, इफ इट्स डिसोसिएशन इज अप टू मोर देन 90% इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इफ इट इज प्रोड्यूसिंग 50% 40% एज पॉजिटिव इट इज अ वीक एसिड। आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में डिसोसिएशन कि जैसे अब तो वैसे रहा नहीं आपके पास क्योंकि वो जो था जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर वो सिलेबस से बाहर हो गया है, बट करवाया था मैंने आपको कि एसिड टूटेगा और एक क्या होगा उससे क्या बनेंगे आयोन, सब कितना टूटने वाला है उस बेसिस पे था आपके पास था वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो देखो भाई अब क्या होता है एक्चुअल में ना, इन रियलिटी किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि एच पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो स्पीसीज बनने वाली है वो कितनी स्टेबल है। ये बना एसीटेट आयन, जितना ये मैक्सिमम स्टेबल होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी। क्यों, अगर ये स्टेबल है तो ये एच पॉजिटिव को गेन नहीं करेगा, लेकिन अगर ये लेस स्टेबल है तो क्या करेगा, दोबारा से एच पॉजिटिव गेन कर लेगा, क्योंकि लेस स्टेबल है तो नहीं रहेगा, ये एच पॉजिटिव गेन करके दोबारा से ये बना देगा, मीन्स यहाँ एच पॉजिटिव का अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बस एक सिंपल सी बात यही रखनी है माइंड के अंदर कि कोई भी एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा जितना ज़्यादा एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करने के बाद जो स्पीसीज बन रही है वो स्टेबल है। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज मोर द स्ट्रोंगर द एसिड इज। अब अगर मैं बात करूँ, एक तो आपके पास ये रहा HCOOH, ये है मिथेनोइक एसिड और ये है इथेनोइक एसिड। क्या लगता है इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है, नीचे वाला, क्योंकि आपने इसको टेस्ट भी किया होगा, कुछ बच्चों ने कभी इसको टेस्ट किया है, कभी फील किया है, हाँ जो कभी कभार हनी बी ने काटा हो आपको,
या येलो वास्प ने काटा हो तो आप इसको अच्छी तरीके से फील कर सकते हो, नहीं किया है तो कर लेना। और स्ट्रॉन्ग होता है ये, उससे बताया आपने या कोई और तरीका था? बताओ भाई, कैसे पता चला आपको कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इसके मुकाबले वीक है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है? CH3। तो इससे क्या होगा? देखो भाई सुनो, यहां पर जब H पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा तो क्या बनेगा? HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी में से इसकी स्टेबिलिटी हाई है और इसकी स्टेबिलिटी लो है, क्यों? चार्ज कौन सा है? ये बात मैं बता चुका हूं कि चार्ज हमेशा स्टेबिलिटी को डाउन करता है, मोर द चार्ज लेस द स्टेबिलिटी। अब CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नेगेटिव चार्ज को इन्हांस करेगा, बढ़ा देगा, तो इस नेगेटिवली चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज के इंक्रीज होने से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो ये वीक एसिड हो गया। इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो नहीं है कम से कम, तो इसकी स्टेबिलिटी कम से कम इससे ज़्यादा होगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब इस आते हैं कंप्लीट चीज़ के ऊपर। मान लो आपके पास ये दिया हुआ है CH3 CH2 COOH हाँ गलत कर दिया BrCOOH CH3 CHF, ये फ्लोरिन देखो भाई FCOOH, बस चार ले लेते हैं, फालतू क्या लेंगे। तो ये A B C एंड D, ये बताओ भाई इन सब का क्या ट्रेंड या क्या ऑर्डर रहेगा एसिडिक नेचर का? हाई टू लो, लो टू हाई मर्जी है, बट बताना है आपको व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक एसिडिक करेक्टर। सबसे कौन सा होगा? डी या बी? डी। और सबसे कम किसका होगा? बी का सबसे कम होगा। तो देखो भाई, आपको यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग इफेक्ट को। अब सी हेयर, ये तो देखो आपके पास एक स्टैंडर्ड हो गया CH3 CH2 COOH, जिसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब वो सब स्पीसीज इसके अलावा जिनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा, वो सब मोर एसिडिक होंगी इससे। यानी कि कौन कौन सी? ये और ये। इसके पास ब्रोमीन है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो कम से कम ये तो इनसे वीक है। और वो सब एसिड जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो इससे वीक होगा, तो इससे वीक कौन हुआ? ओनली बी, यानी कि सबसे वीक को क्या हो गया? बी। तो बी जो है वो सबसे वीक एसिड हो गया क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि बाद में कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। अब बी से स्ट्रोंग कौन आ जाएगा? ए। और ए से ज्यादा स्ट्रोंग कौन आएगा भाई? सी, क्योंकि देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, तो बस फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल विड्रॉ द नेगेटिव चार्ज अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, दैट्स व्हाई डी विल बी द मोस्ट एसिडिक इन नेचर। ये रहा आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। और ये मान के चलना कि एसिडिक स्ट्रेंथ और इसके ऑर्डर पर एक क्वेश्चन का आना 90% से ज़्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है? क्योंकि इस बार देखो चैप्टर कम हुए हैं तो थोड़ा सा, अब कम भी कौन से हुए हैं, और जैसे कि मान लो फिजिकल कम हो गई, इनऑर्गेनिक में कम हो गया, इधर से आपके पास लास्ट के 2 चैप्टर्स कम हुए, ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर वहीं के वहीं हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर बढ़ेगी थोड़ी सी वेटेज। तो अब
और क्वेश्चन भी देखो वैसे ही आएंगे जैसे कि ना बच्चे मतलब जिन्होंने थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ा हुआ है वो कर लें, इस तरीके का पेपर आने वाला है तो उसकी चांसेस बनते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि देखो कल आपका आ चुका है जेई मेंस का भी कि अब की बार जो है पेपर जो आपका वो 4 times होना ही होना है, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी कम कर दी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस की, आपको छूट दे दी है कि आई थिंक 5 questions में नेगेटिव मार्किंग नहीं होएगी, वो करो ना करो जो भी सिस्टम है थोड़ा बहुत अभी मुझे फुल्ली पता नहीं, बट सुबह सुबह सुना मैंने ऐसा कि कुछ उन्होंने चेंज किया है। और जो पेपर आया था आपका नीट वाला बहुत आसान आया था, जो भी पेपर हुआ था नीट का बहुत ईजी आया था, जिस बच्चों ने NCERT पढ़ी हो ना वो बड़े आराम से कर सकते थे। तो पेपर देखो अब की बार कोई इतना ऐसा नहीं आने वाला है कि कोई बहुत बाहर से ये वो, वैसे बाहर से आज तक कभी आया नहीं है, बट फिर भी अगर आप ना नॉर्मल जो टॉपिक्स हैं उन्हें ढंग से कर लो तो भी अच्छे तरीके से बैकअप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब ये है आपके पास, इसका नाम बताओ क्या है भाई, अरे पूरा लिख दो पहले, हाँ बेंजेनोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजेनोइक एसिड ये बन गया, अब एक और ले लो भाई यहां पर, अब ये लो भाई A, B, C और D, ये बताओ भाई आप इन दोनों में से, इन 4 में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे हाई है और किसकी स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। डी की सबसे कम है, चलो मैं डी को लिख देता हूँ क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। चलो भाई डी की तो सबसे कम, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना डोनेटिंग विड्रॉइंग उससे इसकी हो जाएगी ए की, अब किसकी होगी सी की होगी, ए से ज़्यादा सी की, चलो और उस सबसे हाईएस्ट ठीक है ये सी की सबसे ज्यादा हो गई है, आप कह रहे हो क्यों, क्यों बोला आपने ऐसा, फंक्शनल ग्रुप तो NO2 ही है, वो यहां पर भी है और यहां पर भी है, हाँ बताओ भाई कौन सा सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, आप बताओ मनदीप, आप बताओ ये सही है तो ठीक है, इसका मतलब गलत है, ये गलत है, सी का सबसे हाई होगा ये तुक्का आपने सही लगाया है देखो ये जो बी है ना उससे हाई सी का होने वाला है, रीजन पता क्या, देखो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बाय विच इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, अगर आपने इसको लगाया हुआ है मेटा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छे तरीके से नहीं खींच सकता, वो नाम खींचेगा, तो एक तरीके से ये मान के चलो बस इसके आसपास के ही है ये, कोई मतलब मुश्किल से अगर ये 40% एसिडिक है तो ये 42% होगा, इतना ही फर्क है बस, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला क्योंकि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, मैं करवा चुका हूं, तो NO2 मेटा देखो इसके रिस्पेक्ट में कहां पर आ गया ये ऑर्थो और मेटा, तो ये स्टेबलाइज नहीं कर सकता इसको इतना खास, ये है असली जो कि पैरा पोजीशन पर है ये खींचेगा इजिली, तो यहां पर ये मोस्ट एसिडिक, ये उससे कम,
ये उससे भी कम क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, और ये सबसे कम क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर ऑर्थो पर होता तो ऑर्थो वाला मोर सबसे हाई, क्योंकि वो नज़दीक भी हो गया, नज़दीक भी हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। तो चलो भाई, ये आपके पास एसिडिक वाला पार्ट हो गया। अब ये बताओ मुझे, आउट ऑफ एल्कोएफिनॉल, देखो सुनो बात मेरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करवा चुका हूँ वैसे अल्कोहल में, दोबारा करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें एसिडिक वाला भी करेक्टर आ जाता है। फिनॉल इज अ स्ट्रोंगर एसिड देन अल्कोहल, वाई? फर्स्ट मैं ले रहा हूँ अल्कोहल चैप्टर को ही। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वाई? हाँ, क्या हुआ उसको? हाँ, क्यों क्यों? देखो भाई, फिनोल क्या, देखो अल्कोहल का फॉर्मूला ये हो गया, जनरल फॉर्मूला ROH। तो जब ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा क्या बनाएगा? RO नेगेटिव अल्कोक्साइड आयन। और फिनोल का फॉर्मूला AROH, या फिर मैंने बेंजीन बना दिया यहाँ पर। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? फिनोक्साइड आयन। एंड अल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। और पता होना चाहिए आपको कि फिनोक्साइड आयन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनती हैं। जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती हैं उतनी स्टेबिलिटी हाई होती है। मींस द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब अगर इसी बात को मैं यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करूँ, तो देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो चलो यही है CH3 C डबल बॉन्ड OOH। अब देखो इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, क्या होगा? ये एक लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे, तो क्या बनेगा? CH3C सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, यहाँ क्या जाएगा भी देखो, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर चार्ज क्या जाएगा? पॉजिटिव, और ये H, ठीक है। या फिर अगर आप H पॉजिटिव बाहर निकाल दो तो सिंपल डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने H नहीं लिया हुआ है तो, यहाँ पर नेगेटिव था पहले, अब नेगेटिव यहाँ पहुँच गया। तो देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में ना 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती हैं, इससे पॉसिबल नहीं है। फिनोक्साइड फिनोल में बनती हैं 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कार्बोक्सिलिक में बनती हैं 2। तो ये बताओ, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से हु इज मोर एसिडिक इन नेचर? फिनोल इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो अच्छी तरीके से जाल में फंस गए आप लोग, ये मैंने ट्रैप ही किया है पहले बता करके कि जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इन रियलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में 2-2 हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम हैं जो कि नेगेटिव चार्ज को मोर इफेक्टिवली रिड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू द बेंजीन एंड इट्स 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मैं तो जस्ट गाइड कर रहा था आप लोगों को, तब मिस गाइड हो गए, आई डोंट नो व्हाई। तो तो देखो भाई, जो आपके पास फिनोल है उसमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रही हैं वो उतनी स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही हैं जितना कि ये 2 हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके दे रहे हैं। सो द 2 हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स विल मेक द कार्बोक्सिलिक आयन और कार्बोक्सिलेट आयन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द फिनोक्साइड आयन। इन द लास्ट यही कहेंगे हम, बिकॉज द कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द फिनोक्साइड आयन, सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड देन द फिनोल, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज्यादा स्ट्रोंग एसिड होता है।
तो देखो चलो भाई ठीक है, तो इसके साथ ही अपना ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है। यहाँ आपको नोट्स में और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको थोड़ा डीपली स्टडी करना ठीक है। और क्वेश्चन इन्हीं में से ही या तो एनसीईआरटी वाला या प्रीवियस ईयर, इन्हीं में से ही आएगा। और ये मान के चलना 90% क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो यही जो मैंने टॉपिक करवाया है वाई द कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द फिनोल, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है। तो चलो कल फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, होपफुली मे बी कि कल हमारा चैप्टर पूरा हो जाए नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो तो लास्ट डे है ही है। सो ओके, थैंक यू।